हे फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्टी किचन। में हूँ गीत। आज मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल केक रेसिपी शेयर करूँगी, जो कोको केक है, यानी कि कोको पाउडर से बनने वाले केक। इसमें थोड़ा कोको वाली टेस्ट भी हम लोग को आएगी, और जो को बनाने में बहुत ही सिंपल है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है। जब मैंने इसको बना के ट्राई किया था, मैंने कि टेस्ट की थी, मैंने बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और बनाने में बहुत ही सिंपल है, टाइम सेविंग है, और केक खाना सबको पसंद होता है। चलिए हम आज शुरू करते हैं हमारी मज़ेदार रेसिपी, और बहुत ही सिंपल रेसिपी, स्वादिष्ट रेसिपी, और ये कोको केक। लेट्स स्टार्ट इट। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ली है, और ये बाउल पे मैंने बटर डालूँगी। ये मैंने बटर ली है, बटर को इस बाउल में डाल दी। बटर के जगह तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पिसी हुई चीनी एक कटोरी, यानी कि थोड़ा मीठा बना रही हूँ इस केक को मैं। और इसमें ये दही डाल दी, यानी कि हंकड़ है, बिना पानी वाला दही, 5 से 6 चम्मच ये दही है। दही डाल दी, सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पीसी हुई चीनी है मैंने डाला है इसमें, और इसको इसमें हैंड मिक्सर से आप मिक्स कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वाला मिक्सर अगर नहीं है तो इसको अच्छे से मिक्स कर ली, एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाए, तब तक हम इसको मिक्स करेंगे। केक में सब कुछ अच्छा फाइन वाला मिक्स होना चाहिए। और यहाँ पे तेल डाल दी, 50 ml की तेल डाल दी। तेल की जगह आप घी डाल सकते हैं। ये सब कुछ डालते हैं हम केक को फ्लफी बनाने के लिए। और यहाँ पे मैदा ले ली, एक छन्नी में 2 कप मैदा ले ली। और यहाँ पे मैं 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा, इसको छन्नी में छान के नीचे करूँगी, ताकि कोई भी गुठलियाँ ना रहे, इसलिए हम इसमें को छन्नी में छानते हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये जो हमारी तेल, बटर, घी, तेल, बटर और ये दही सब कुछ हमने मिक्स किया था, इसके साथ इसको मिक्स करेंगे। अगर ये मिक्सचर थोड़ा कम हो रहा है तो हम बाद में इसमें थोड़ा हमारी दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा दूध भी हम इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध भी डालेंगे, ताकि हमारा बैटर अच्छा वाला बैटर बने। दूध की जगह आप छाछ भी डाल सकते हैं। ये अच्छे से बैटर बन चुका है। अब इसको थोड़ा बैटर में सेपरेट कर रही हूँ और एक बाउल में, क्योंकि वो बैटर में मैं कोको पाउडर मिलाऊंगी, क्योंकि मैं कोको पाउडर वाली रेसिपी बना रही हूँ। थोड़ा सा कोको पाउडर की टेस्ट दे रही हूँ केक में, इसीलिए थोड़ा ये मैंने दूध ली है, कटोरी में थोड़ा सा कोको पाउडर मिला के इस बैटर में डाल के कोको पाउडर वाली एक बैटर बनाऊंगी। एक बाउल में थोड़ा बैटर में कोको पाउडर की बना रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ये कोको वाली बैटर की लेयर भी बनाऊंगी, 2 लेयर की केक बना रही हूँ मैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर ली। यहाँ पे मैं एक मोल्ड ली है, केक मोल्ड ली है, इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लगाती हूँ, रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, ख़राब हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं बटर भी इसमें लगाऊंगी, और इसमें मैदा भी टेस्ट करूंगी। अगर बटर पेपर है तो भी आप लगा सकते हैं। और ये मोल्ड की ये खासियत है कि हम साइड से इसको निकाल भी सकते हैं, हमारे मोल्ड को। वो नॉर्मल वाले मोल्ड मैंने नहीं ली है, क्योंकि उसमें बहुत झंझट होता है, अगर बटर पेपर नहीं है तो झंझट होता है, निकलेगा नहीं निकलेगा, इसीलिए मैं इस तरह की मोल्ड ली है। ये मैदा टेस्ट कर ली मैंने, बहुत ही सिंपल केक बना रही हूँ मैं यहाँ पे। हम अपने हिसाब से केक की स्वाद से बदल सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा कोको पाउडर वाली केक बना रही हूँ। ये बन चुका है हमारा केक। अब इसमें हम बैटर डालेंगे, हमारी पहले में सफ़ेद वाली बैटर डाल रही हूँ, प्लेन बैटर डाल रही हूँ, केक बैटर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से टैप करके साइड टैप करके रखूँगी, कि उसकी अंदर से जो हवा है वो निकल जाए। स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। एक लेयर सफ़ेद वाली बैटर है, फिर मैं इसमें दूसरी लेयर, जो हमने कोको वाली लेयर बैटर बनाया है, वो वाली बैटर को मैं डालूँगी, लेयरिंग करके डालूँगी। जब हम इसको निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, खाने में बहुत ही स्वाद आएगा, इसलिए कोको वाली बैटर को 1 लेयर डाल दी। इसी तरह से मैं 2-3 लेयर करूँगी,
जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो लो आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आप मेरे चैनल में विजिट भी कर सकते हैं। पिछला वाला मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो है जो कि कलरफुल है, टेस्टी है, सिंपल है और टाइम सेविंग वाला रेसिपी है। आप इसको चेक करके इसको ट्राई भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है मेरे चैनल में। इसी तरह से सारे लेयर मैंने बना ली, एक प्लेन लेयर, एक कोको लेयर। इसको मैंने टैप करके बबल्स के लिए हम टैप करते हैं इसके अंदर हवा ना रहे। एक बर्तन मैंने प्री हीट कर ली। नमक डाल के और इसमें ये स्टार डाल के ये केक मोल्ड को रख ली और इसको मैं ढक दूंगी 50 से 60 मिनट के लिए। मैं इसको ढक दूंगी। यहाँ पे चलते हुए मैं क्रीम बनाने के लिए केक के ऊपर मैं थोड़ा क्रीम लगाऊंगी, इसीलिए मैं एक क्रीम पैकेट से क्रीम निकाल दी। और ये है हमारी पिसी हुई चीनी यानी कि आइसिंग शुगर। ये पिसी हुई चीनी और क्रीम से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हैंड विस्कर तो नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वाली विस्कर है। पिसी हुई चीनी से अगर हम क्रीम को इसे मिलाते हैं तो ये थोड़ा थिक बनता है। देखिए कितना थिक बन चुका है। अब हम केक को चेक करते हैं। ये केक हमारा बन चुका है। देखिए इसको मैं इसके अंदर स्टिक भी डालूंगी। ये स्टिक मैंने डाल दी। देखिए हमारा केक यानी कि हमारा केक बन चुका है। हम स्टिक डाल के हमारा केक चेक कर सकते हैं। अगर स्टिक में ना लगे तो हमारा केक रेडी है। ये केक ठंडा होने के बाद मैं निकाल रही हूँ क्योंकि हम गर्म वाला केक निकाल नहीं सकते। देखिए अब मैं केक को पूरा निकाल के आप लोग को दिखाऊँ किस तरह से लेयर बना हुआ है, यानी कि प्लेन वाला लेयर और ये कोको वाला लेयर। देखिए किस तरह से ये दिख रहा है। ऊपर से थोड़ा क्रैक हो हुआ है क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। नीचे से भी मैंने दिखाया कैसे कलरफुल बना है। अब हम इसके ऊपर हमारा ये क्रीम लगाएंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं केक को। ऐसे ही सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा क्रीम लगा के थोड़ा सजाना चाहती थी इसीलिए थोड़ा क्रीम मैंने इस्तेमाल की है। आपको अगर क्रीम पसंद नहीं है तो आप इसे ही इस केक को खा सकते हैं। बनाने के बाद ही तो कितना बढ़िया दिख रहा था। और जब मैं इसको बना रही थी स्पेशली इसकी खुशबू घर के पूरा घर में फैल गया। जैसे बेकिंग करते हैं बेकिंग का जो स्मेल होता है बहुत ही अच्छा होता है। मैंने चारों तरफ केक लगा ली और उसके ऊपर थोड़ा कोको पाउडर भी डस्ट कर ली। ये मैंने कोको वाली थोड़ी बना रही इसीलिए कोको पाउडर डस्ट कर ली ताकि थोड़ा अच्छा वाला कोको वाला जो फीलिंग्स आए। और इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम में थोड़ा डेकोरेशन के लिए लगा रही हूँ। बस इतना ही हो गया हमारा कोको केक यानी कि कोको वाली केक। बहुत ही सिंपल है। देखिए कि बहुत सारा सामान नहीं लगा इसमें, बहुत ही कम समय में ये केक बन भी जाएगा। यानी कि एक घंटा तो लगता है हमें केक बनाने में। देखिए इसको मैं कट कर रही हूँ कितना स्पंजी दिख रहा है। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो मेरी चैनल में आपको मिलेगी। मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। इस तरह की मज़ेदार रेसिपी, सिंपल रेसिपी, टाइम सेविंग रेसिपी और खाने में बहुत ही टेस्टी रेसिपी आती रहूँगी, आप लोग को खुश करती रहूँगी। हम लोग मेहनत करते हैं दोस्तों, आप लोग की दुआ चाहिए, आप लोग के प्यार चाहिए। इस तरह के हमारे चैनल को प्यार देते रहिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मज़ेदार यम्मी चटपटा स्पाइसी रेसिपी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और सब लोग स्वस्थ रहे।